गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो ये 100 साल वाली एक छोटी सी ज़िंदगी में मैं जो अपना पसंदीदा कैरेक्टर है मुसाफिर का, वो निभाने फिर से चला हूँ। तो अभी सभी कंट्रीज़ के अंदर फ्लाइट बंद है, तो उस वजह से कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ मैं घूमने के लिए। जहाँ फ्लाइट चालू है वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट आप समझ सकते हो 14 दिन क्वारंटाइन रहने में कितना बढ़ सकता है। और फिर जहाँ क्वारंटाइन भी नहीं है तो उसके लिए फ़्लाइट बहुत कॉस्टली पड़ रही है। तो मैंने बोला जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता है क्यों ना मैं इंडिया ही घूम लूँ। तो मैं अभी इंडिया घूमने ही निकला हूँ, पर एक साथ ये जर्नी नहीं होगी मेरी। जैसे अभी मैं एमपी के अंदर हूँ, एमपी में मैं उज्जैन के अंदर हूँ अभी। तो पहले सोचा कि एमपी के जो फेमस प्लेसेस हैं वो घूम लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा रेस करके घर पे दूसरा कोई प्लेस ले लेंगे। तो उज्जैन में हम जिस होटल में रुके हैं उसकी एक टूर करवा देता हूँ आपको, क्या कॉस्ट रही है होटल की, पर रूम 2 पर्सन हैं हम, और अंदर से कैसा दिखता है, उसकी क्लीननेस कैसी है, स्टाफ कैसा है, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी रही है तो ये होटल की कॉस्ट रही है, हाँ, 1 रूम और 2 एडल्ट्स, हाँ 2000 के आसपास लिए अभी। एक्चुअली मैंने कल रात booking.com पे करवाया हुआ था, तो उसमें कुछ 500-600 रुपये ज़्यादा बता रहा था। फिर इधर आके मैंने डायरेक्ट इंक्वायरी की है, तो 2 बंदों का 2000 बोला पर नाइट, हमने 2 नाइट्स के लिए करवाया हुआ है। तो चलिए आपको मैं पहले होटल बता देता हूँ होटल कैसी है, और सब गेस्ट आ रहा है पीछे यार। तो ये रही होटल भाई, ये सॉलिटेयर, ये होटल का नाम है सॉलिटेयर, और काफ़ी बढ़िया है होटल। इधर पूल भी है, तो पब्लिक भी आ रही है। यहाँ अभी पूल क्लीन हो रहा है ऐसा लग रहा है कल रात, ये इधर लिखा हुआ है पूल पार्टी है। ये महाकाल के प्लेस पे भी, मतलब जगह पे भी यार पूल पार्टी होती है, कोई बात नहीं। और ये लोकेशन है, तो फिर 2000 रुपये में कुछ गलत नहीं है, आप पूल भी एक्सेस कर सकते हो, और गार्डन भी है, स्पेशियस प्लेस है, आपको वाइब्स भी अच्छे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ के। पर अभी देखते हैं अंदर रूम कैसा है, आपको दिखाता हूँ कि अंदर से रूम भी कैसा है। चलिए रूम भी देखते हैं। तो ये इसका रिसेप्शन एरिया है, और इसके अंदर बैंक्वेट हॉल भी दिया हुआ है इन्होंने। चलिए रूम दिखा देता हूँ आपको। और ये 119 मेरा रूम है भाई, क्या बजा रहे हो तुम यार, ये रूम है, आवाज़ कम करो भाई।
ये व्यू आ रहा है बालकनी में से हमारे रूम में, और यहाँ से आप देख सकते हैं रूम काफ़ी अच्छा है, दो लोगों के लिए बढ़िया है ये रूम। अच्छा, इसके अंदर एक दोस्त नहाने गया है, आगे का भी रूम हमारा है, तो इसके अंदर देखते हैं वॉशरूम कैसा है इसका। भाई कौन गया नहाने? और आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं कि वॉशरूम कैसा है इसका। वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, बीच में ये कर्टन भी दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है भाई। और ये मिरर है भाई, मैं हूँ ये, और ये मेरा यूट्यूब का क्या कहते हैं GoPro 9। ये स्किल भी है, तो ये जो सॉलिटेयर्स होटल है रेलवे स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है, और जो आपको 3 स्टार में अच्छी होटल चाहिए तो यही है, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि ये होटल अच्छी है, रेट भी अच्छा है, और हो सके तो कॉल करके आइए कि बुकिंग डायरेक्ट हो सकती है, तो आप डायरेक्ट ही बुकिंग करवाइए। ऑनलाइन जो पेमेंट होता है लाइक booking.com या Agoda, तो उससे सस्ता पड़ा है, तो एक बार फ़ोन करके आइए, यही होटल आपको बहुत सस्ते रेट में पड़ सकता है। जैसे आपका ग्रुप बड़ा होगा, तो हमारा ग्रुप बड़ा है अभी, हमें से 10 लोग हैं, तो हमें बार्गेनिंग किया हमने और उन्होंने अच्छा रेट दिया है हमें, तो आप भी ट्राई कीजिए। ये उज्जैन में है तो यही होटल अच्छा है, मुझे तो ऐसा ही लगा, booking.com या सब पे मैंने चेक किया था, तो सस्ता और अच्छा होटल चाहिए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, तो प्लीज़ आप भी चेक कीजिए और हो सके तो आप भी यहाँ आइए। तो अभी सुधर वो भाई जहाँ ले जाए ऐसा उनको बोलो कहाँ ले जाओगे आप, अभी तो पता नहीं हम कहाँ निकल रहे हैं, पर ये भाई साहब से पूछेंगे वही बताएगा हमको। यहाँ पे बढ़िया नाश्ता कहाँ मिल जाएगा? पहले बढ़िया नाश्ता करना है वहाँ पे ले जाओ हमें, और फिर उसके बाद जो एक रूट में आता है जो जितने भी मंदिर वहाँ पे ले चलना, जैसे मंगलनाथ है, फिर कोई सांदीपनी। बंटी भाई लोग कहाँ पे गए? वो बंटी भाई को एक बार कॉल कर लो, वही बताएगा आपको। कहाँ पे बुलाया? नदी पे बुलाया। अरे नदी में ले जाए के हमको क्या करोगे यार, वहाँ पे बुलाया। कोई बात नहीं, तो मंदिर कोई बात नहीं, चलो ना चलेंगे तो उधर ही नाश्ता कर लेना, चलो ना पहले। अच्छा नाश्ता कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे बहुत भूख लगी है भाई, इसलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं ना। पहले ले चलो यार कहीं पे हमको, चलो बैठ तो लो पहले यार भाई। नाश्ता बढ़िया कहाँ पे मिलेगा आपके? अभी कंफ्यूज है कहाँ जाएंगे पहले, तो देख रहे हैं, चलो थोड़ी देर फिर बात हो जाए। और मेरे भाई कभी हो जाती है दिक्कत,